हेलो नमस्कार कृष्णराज। नमस्कार। हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है आपके बराबर? मुझे आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही? मुझे बराबर नहीं आ रही है क्योंकि आई एम वेरी एजेड। मैं 76 ईयर की हूँ तो मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। राइट। और बहुत ही गरीब हूँ। ओके। मैं आपको आपकी लाइन से हटकर आपको बात करना चाहती हूँ, चलेगा? चलेगा। बात ये है कि मैं खुदला में रहती हूँ, हम यहाँ भी दोनों एजेड है, दोनों सीनियर है, मेरी सीनियर भी यार जी। जो बिल्डिंग में रहते हैं ना हम लोग, वो बहुत पुरानी है, बहुत ही पुरानी। ओके। और ऐसी है कि वो पता नहीं कब कोलैप्स हो जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। और वो उसके जो मालिक है, यानी कि पगड़ी की बिल्डिंग है, हम पगड़ी के घर है हमारे, और चलते ही है। दो मालिक हैं, तो अभी उनके लड़के लोग हैं, तो वो जैसे कि एक तरह का रूल करते बिल्डिंग पर। अभी हमको हमने उनको बताया कि देखो हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, सब गिर पड़ रहा है, बोलो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बनाओ, ये करो वो करो जी। और अभी हमारी इतनी जैसे गुंजाइश नहीं है जी। कि हम लोग बना ले। ऊपर से पानी हमारे ऊपर जो है किचन के ऊपर, वो उनका बाथरूम टॉयलेट साथ में है शायद आगे पीछे, वहाँ से आता है पानी। पहले ऐसा नहीं होता था, जब से उन्होंने बनाया है तब से ये पानी आना शुरू हो गया है। जी जी। क्या तो हमने इनको बोला तो वो नहीं मान रहा है जी। और बहुत बड़े बड़े गाफे हो रहे हैं ना, अभी भी ऐसा है कि इधर से गिरेगा उधर से गिरेगा, हम दोनों अकेले हैं। ठीक है। क्या कोई बेटा नहीं है, एक बेटी है तो वो अपने घर पर है जी जी। और वो आउट ऑफ इंडिया है अपने हस्बैंड के साथ जी, यानी कि संबंधियों की कोई सपोर्ट नहीं है। ओके। तो अभी हमने हमको हमारी बेटी ने कहा कि मम्मी ये घर छोड़ दो और कहीं कहीं चले जाओ, लेकिन अभी है ना बेचने जाते हैं ना, तो बेटा ये हमको बेचने भी नहीं देता है। राइट। बोलता है कि हमको ही दो, हम लेंगे, हमको चाहिए, हम बाहर का अलाउड नहीं करेंगे। तो कितने में लेंगे? कितने में लेंगे? तो वो लोग 20 से 25 देंगे। ठीक है। 20 या 25 ही देंगे, इससे आगे नहीं। अब 20 या 25 में तो क्या मिलता है वो तुमको आइडिया है, हमसे ज्यादा। ठीक है। तो हम किधर जावे, तो ये सोचकर तो मेरी बेटी ने ही आइडिया दिया था, तुम्हारा नाम कहाँ से निकाला था नंबर के साथ, और बोला मम्मी इनसे बात करो, देखो शायद तुम्हारा काम बन जावे। ठीक है। तो ये उम्मीद से मैंने तुमसे बात की है, पता नहीं ये तुम्हारे जॉब में आता है कि नहीं आता, मुझे नहीं मालूम। नहीं, आप एडवाइस मांग रहे हो, मैं एडवाइस दे सकता हूँ। से ओपिनियन मांग रहे हो तो मैं ओपिनियन आपको जरूर दे सकता हूँ। हाँ बस ये भी दोगे तो एक तरह की हिम्मत मिलेगी ना जी जी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग समझ में आएगा ना। करेक्ट करेक्ट। अच्छा तो अच्छा एक बात बताइए, पगड़ी प्रॉपर्टी है, आप रेंट कितना देते हो? हमारा रेंट 400 रुपीज लेता है, मेरे दो रूम है खाली, दोनों बराबर के रूम। यानी कितना साइज? 300 होगा। 300 स्क्वायर फीट। हाँ। कुरला में कहा आपने? हाँ कुरला में है। ठीक है। पगड़ी में जब खरीदा था, किस साल में खरीदा था? मैंने हम लोग ने ना 85 में शायद खरीदे थे। 85? नहीं 85 में नहीं, 80 के बाद ही खरीदा होगा। ठीक है, करीब करीब 80 मान के चलते हैं। 80 हाँ। मतलब करीब 40 साल हो गए। 40? हाँ हाँ। ठीक है। तब भाड़ा क्या था? तब भाड़ा तो बहुत कम था। फिर भी कितना कम था? फिर कितना भी 400 देते हो, 400 से कितना कम? अरे बहुत कम था, उससे बहुत कम था। 200 था, 50 था, उससे भी कम था, उससे भी कम। 25 रुपए थे, अंदर 100 होगा। ठीक है चलिए ना, 100 रुपये पकड़ के चलते हैं। आज हो गए 400 रुपए। अब आपने तभी पगड़ी कितना दिया था? हाँ 80 के ऊपर, 80 और 85 के बीच में। 85,000 85 के बीच में। तो उस टाइम पे आपने 80-85,000 में खरीदा था। ठीक है। पगड़ी के बदले आपने अगर कमर्शियल रेगुलर फ्लैट खरीदा होता तो कितने में लिया होता उस समय? वो मुझे नहीं मालूम, कोई आइडिया नहीं बेटा। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा महंगा होता, सस्ता होता, क्या होता? कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं मानता हूँ जनरली पगड़ी रेगुलर फ्लैट परचेज से सस्ता ही होता है, महंगा नहीं होता है, ऐसे मेरा मानना है। अच्छा ठीक है। करीब पगड़ी से सस्ता होता है? सस्ता ही होता है, महंगा तो नहीं होता है कोई, क्योंकि पगड़ी सिस्टम में उतना डिमांड भी नहीं होता है, क्योंकि लोग पूछेंगे इसमें ओनरशिप है क्या, तो नहीं पगड़ी मिलेगा। अच्छा। तो ठीक है, तो फिर सस्ते में ही जा रहा है। हाँ, आप मकान के मालिक नहीं हो?
मैं ये मानता हूं कि आपको जो भी मिला सस्ते में मिला, ठीक है। अब रेंट आप 400 रुपए में रह रहे हो 300 स्क्वायर फीट। अब मुझे ये बताइए कि उसी साइज का करीब करीब 300 स्क्वायर फीट का आप कहीं भी रेंट देने जाओगे तो कितने में होगा, कितने का रेंट मिलेगा? यानी आप समझ लीजिए कि ये रूम आपने छोड़ दिया और आप कहीं और भाड़े पे रहना चाह रहे हैं। तो कितना देना पड़ेगा? मुझे नहीं आइडिया बेटा, कुछ भी नहीं आइडिया। फिर भी 7,000, 8,000, 10,000 कुछ तो होगा आइडिया उस एरिया में कौन कौन कितना रेंट दे रहा है कुर्ला में। अभी ऑनरशिप की बिल्डिंगों में तो 2,500-3,000 रुपया शायद रेंट का जा रहा है, यानी तो उसको क्या बोलते हैं लोग, वो रेंट नहीं बोलते उसको, कुछ और बोलते ना, लीव एंड लाइसेंस। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते मेंटेनेंस रेंट नहीं होता है। मेंटेनेंस रेंट नहीं होता है? नहीं, मेंटेनेंस रेंट नहीं होता है, मेंटेनेंस होता है। जैसे कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ, अच्छा, अगर मैं इसको भाड़े पे चढ़ाऊं तो मुझे शायद 40,000 या 45,000 मिलेंगे। अच्छा, लेकिन मेरा मेंटेनेंस जो है वो 8,000 का है। अच्छा, तो 8 यानी कि 1/5 भाग है। 8,000 का मेंटेनेंस आ रहा है लेकिन 40,000 का रेंट मिलेगा मुझे, तो 1/5 या 1/6 भाग होगा। तो आप जो मेंटेनेंस की बात कर रहे हो, तो 3,000 का अगर मेंटेनेंस है तो मैं समझता हूँ उस जगह में अगर रेंट पे लेना है, भाड़े पे लेना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 या मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 15,000, मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 18,000। ओके, तो करीब करीब 15,000-18,000 का महीने का रेंट आएगा। अब आप रेंट भर रहे हो 400 रुपए, 400 रुपए और 15,000 में जो फर्क है उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। यानी ऐसे समझो कि कोई आपको 14,500 दे रहा है हर महीने, आपको सब्सिडी दे रहा है हर महीने। वो 85,000 को भी एक गिन लेते हैं कि 85,000 को भी थोड़ा, चलो 85,000 आपने दिए तो थे, तो चलिए आपका रेंट वो साढ़े, यानी मैंने कहा 14,500, तो 14,500 को आधा कर देते हैं, 7,500 कर लेते हैं, क्योंकि आपने तभी 85,000 भी तो दिए थे, वो भी गिनना हो तो 7,500 दे देते तो भी, लेकिन फिर भी आपको 7,500 का फायदा हो रहा है हर महीने। तो ऐसे समझो कि सब्सिडी दे रहे हैं। अब कौन दे रहा है? तो सब्सिडी दे रहे हैं वही लैंडलॉर्ड के लड़के, आपको सब्सिडी दे रहे हैं, सिस्टम दे रही है, सिस्टम आपको सब्सिडी दे रही है, क्योंकि आपका जो प्रॉपर्टी है वो बॉम्बे रेंट एक्ट से प्रोटेक्टेड है। इसलिए आपका जो भाड़ा है वो 400 से ज्यादा नहीं बढ़ाया है, नहीं तो बहुत बढ़ा देते वो। तो आपको कब से घर छोड़ना पड़ता? आपको वो इविक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बॉम्बे रेंट एक्ट है, नहीं तो वो आपको निकाल सकते थे और आप कहीं और जाके रहते। तो ये पगड़ी सिस्टम, ये सब का फायदा आपको ऐसे समझ के चलो कि 7,500 हर महीने, यानी कि एक साल में 75,000, नहीं ये 75,000 से ज्यादा, एक साल में 90,000, करीब करीब एक साल में 90,000 का फायदा हो रहा है। ऐसे करके गए 40 साल, ऑफकोर्स पहले उतना फायदा नहीं भी होगा, तो चलिए उसको 20 साल गिन लेता हूँ, 40 से गुनिया मल्टीप्लाई बाय 40 नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 20 करूंगा, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 20 करता हूँ तो 18 लाख, तो 18 लाख का फायदा वहीं पे हो गया, आपको फायदा हुआ है। ओके, पगड़ी सिस्टम में रहने का आपको फायदा हुआ है, नफा हुआ है, नफा हुआ है, तो नुकसान किसको हुआ है? लैंडलॉर्ड को हुआ है। अब वो क्यों और नुकसान झेलेगा? ऐसे सोच लो कि वो क्यों, उसको भाड़ा मिल रहा है 400 रुपया, वो खर्चा करने जाएगा तो 5-10-15,000 तो खर्चा हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ लीकेज करना है, लीकेज को ठीक करना है। तो जब सालाना उसको मिल रहे हैं आपसे 5,000 से भी कम, 4,800 मिल रहे हैं उसको सालाना, वो क्यों 10-15,000 का नुकसान करेगा? या खर्चे को वो तो नुकसान ही कहेगा ना, बराबर, उसके 3 साल, तो वो क्यों ऐसे करेगा? उसका अभी पूरा इंटरेस्ट यही है कि आप घर को छोड़ के कब जाओगे। अब आप अगर 20 लाख में उसको घर वापस दे देते हो, ठीक है, 20 या 25 जो भी आप नेगोशिएट करिए, उसको आप ले जाइए, 20 हो या 30 हो, लेकिन आप बेच के अगर चले जाते हो तो वो 30 लाख आपके पास आ जाते हैं।
लैंडलॉर्ड क्या चाहता है, लैंडलॉर्ड चाहेगा कि अगर सब टेनेंट्स खत्म हो जाए या तो चले जाए या फिर उनकी जान चली जाए, दोनों में से एक, तो उसको अपना जमीन मिल जाएगा। अब वो तो उसी उम्मीद में बैठा है। यही बात है उधर। तो आपको ये करना चाहिए कि आपको जो मिल रहा है थोड़ा आप बार्गेन करिए उसमें, बेशक आपका नेगोशिएट करने का हक है, हक है हाँ। तो आप वो 20 कह रहे हैं, आप 30 कहिए, 35 कहिए, जो आपसे बनता है कहिए, हाँ बराबर, लेकिन ले दे के खत्म कर दीजिए, अपने पैसे लेके किसी और जगह में चले जाइए। अब कुरला में ही रहना ऐसे जरूरी नहीं है। जरूरी तो नहीं है, लेकिन ये यानी कि ये रूट ठीक पड़ता है। हाँ लेकिन अभी आने जाने के लिए, आने जाने के लिए कहाँ, आप आते जाते कहाँ पे हो? वो बॉम्बे की तरफ, बॉम्बे प्रॉपर बॉम्बे की तरफ आना जाना होता है। मेरे भाइयों का ने, बहन का ने घर है, और तो कोई नहीं है, सबके सब खत्म हो गए। अच्छा, बहुत बहुत तो यहाँ से सिर्फ आपको आना जाना, आपके भाइयों के यहाँ ही आना जाना होता है ना? हाँ वो ही होता है, और क्या। तो वो रोज का तो नहीं है? ना ना ना, महीने में एक बार, महीने में एक बार या दो बार या ऐसे कुछ होता है? दो एक बार होता है, दो एक बार होता है। ठीक है, तो अब वो आपको थोड़ी असुविधा होगी, आपको जरा दूर जाना पड़ेगा। दूर जाने, कितना दूर? चाहे जितना दूर, जिस जहाँ पे आप लेते हो, समझ लीजिए आपके हाथ में 20 लाख आए या 25 लाख आए, आप वो 25 लाख को लेके कहीं और चले जाओगे। अब हो सकता है आपको डोंबिवली में मिले, या थाना में मिले, या कल्याण में मिले, जहाँ पर आपको अच्छा एकोमोडेशन मिलता है। आप जरा देख लीजिए, सोच लीजिए और ढूंढ लीजिए अच्छे अच्छे वाले घर। ओके, सोच समझ के खरीद लीजिए, उसमें रह लीजिए। अब आपको हो सकता है कि आपको यहाँ से सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा लगता होगा, तो हो सकता है कि वहां से आपको 2 घंटे लगेंगे। लेकिन आपके अगर पैसे बचे, 25 या 30 में बेचा और आपने समझो 20 में ले लिया, तो 10 लाख आपके बचते हैं। अब बचे हुए इंटरेस्ट से आप ओला उबर करके जाइए, उसका जितना इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, ब्याज पे चढ़ा दे। हाँ, ब्याज पे चढ़ा दो, फिक्स डिपॉजिट पे चढ़ा दो, और उसके ब्याज से आप ओला उबर में बैठ के जा सकते हैं आराम से। बात तो बराबर है तुम्हारी बेटा, तो आराम से आप चाहिए। फिर आपको ट्रेन में सफर करना, रिक्शा में सफर करना, चलना, ये वो कुछ नहीं होगा। अभी ये उम्र में मैं चल भी नहीं सकती हूँ किसी को पकड़े बगैर। राइट, ट्रेन का तो सोच ही नहीं सकते हो। राइट, तो आप जरा दूर जाना हो तो मुश्किल है। हाँ ना, तो आप आसानी से, आप आपके पास अगर 10 लाख बड़े यानी बचे रहेंगे, तो आप उस 10 लाख के ब्याज से भी आप घूम सकते हो। वो तो बराबर तुम्हारी आइडिया, बिल्कुल सही बेटा। तो यानी कि वो भी खुश, आप भी खुश, यानी देख छोड़ देना चाहिए घर। मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अगर डायलैपिडेटेड है, कभी भी गिर जाएगा तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। हाँ ये तो है, जान माल का हो सकता है ना नुकसान। हाँ, और अगर हो सकता है जान का हो गया, या फिर लंबा हॉस्पिटलाइजेशन हो गया और उसमें जो नुकसान हो गया, आप नहीं फेस कर सकते हो, और लैंडलॉर्ड नहीं देगा, लैंडलॉर्ड उसमें वो कहेगा मैं क्या करूं, ये लोग छोड़ ही नहीं रहे थे, तो उसकी जिम्मेदारी तो नहीं बनती है। तो एक्चुअली बात ये भी है भाई, ये ना वो दोनों लैंडलॉर्ड की फैमिली भी यही बिल्डिंग में रहती है। जी जी जी, यहाँ दोनों लैंडलॉर्ड की फैमिली भी यही बिल्डिंग में रहती है। उन्होंने अपना अभी अभी घर बनाया है, तो अच्छा मजबूत बना लिया है उन्होंने, लेकिन है तो हमारे ऊपर ही ना। अगर हम बैठ गए, हमारा हिस्सा बैठ गया, तो उनका तो नेचुरली नीचे आएगा ही आएगा। सही बात है, वो भी हो सकता है, सही बात है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आपके घर का प्लास्टर, अगर प्लास्टरिंग किया हुआ है या ऐसा कुछ किया हुआ है, कि प्लास्टरिंग गिरे, तो उससे भी नुकसान हो सकता है। हाँ, वो सीलिंग का प्लास्टर गिर रहा है, और उसमें की जो वो लोग ने डाले है ना, चिल्लिए डालते हैं ना लोखंड के, वो जंग खा गए, वो जंग खा गए, बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है। आपके ऊपर अगर वो सीमेंट का गट्ठा भी एक बार सर पे गिरा, तो काफी नुकसान कर देगा ना, काफी नुकसान करेगा। बिल्कुल, मेरे पैरों के पास ही गिरा था, तो मैं बच गई थी। राइट, इतना बड़ा गिरा था मेरे पैरों के पास, ऐसा लगा था कि बहुत बड़ा धमाका हुआ, एकदम मैं हड़बड़ा के उठी, सोई थी मैं बेटा। राइट, तो अगर ऐसा कुछ नुकसान हो जाए, तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और हॉस्पिटल घर के लिए अपाहिज हो जाएंगे, अपाहिज हो जाओगे। एग्जैक्टली, तो ये बने ऐसे, उससे पहले ही आप
देख के मेरे हिसाब से आपको निगोशिएट कर लेना चाहिए। अब जैसे निगोशिएट कर सको, अगर वो कहते हैं 20 आप कहिए 30 और कोशिश करिए, पूरा पूरी कोशिश लगा दीजिए आप। हाँ ठीक है बराबर तुम्हारी बात, पूरी कोशिश लगा दीजिए, लेकिन आपको फायदा ही हुआ है। जी जी वो तो बात बराबर। ओके ओके थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम।